अभी तक अपना इतना बन गया था, अब इसके आगे का बनाएंगे। पर्पल कलर ले रहे हैं सबसे पहले, और यहाँ से हमको इस तरीके से नीचे वाटर जो फॉल है हमारा, उसका जो वाटर है उसको दिखाना है। तो इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। एक स्टेज आएगा, ये सोर्स जो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम शो कर रहे हैं। थोड़ा सा वाइट लेंगे, तो इस तरीके से हम इसको लेते हुए आ जाएंगे। अभी हम पर्पल का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ग्रे का यूज़ करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इसको ब्रेक किया और लाइंस को इस तरीके से लिया, जिससे कि एक स्टेप दिखने लगेगा जो नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से फिर वापस ग्रे ले लिया, ग्रे पर्पल इन्हीं कलर्स का यूज़ करेंगे। अभी हमारा इतना ही बन गया, अब हम इसका एक एक करके शेड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि पानी होता है और उसमें ड्रॉप्स दिखते हैं, उस तरीके से हम इसको शो करेंगे। यहाँ पर आके हम इसको इस तरीके से शो कर रहे हैं।
अब हमारा ये ऊपर वाला पार्ट आता है, सबसे पहले इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी भी हम यहाँ पर ये ब्लैक छोड़ते जा रहे हैं। कुछ लाइन्स हम ऐसे ही यहाँ पर भी ले लेंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट वाइट कलर ले रहे हैं।
This composition should not change. I'm standing during storage. Crystalline oxalic acid. Anhydrous sodium carbonate. Dry KCl, AgNO3, PSO4, and it's 4 times SO4, twice SO4, 6H2O. Are all the primary standards. And these are standard substances. The substance which do not fulfill the requirements and their requirements and their standard solutions are not prepared directly by being alcohol. Secondary standard substances. Mm-hmm.
prepare the standard solution. इस तरीके से हम इसका ये टेप निकालेंगे और हमारी ये वाटर सीनरी कंप्लीट है।